आखिरकार जब बिग बॉस के घर के अंदर निमृत कौर आलूवाले को यह पता चला कि वो उनका एलिमिनेशन हो चुका है, तो निमृत ने सीधा जाकर शिव ठाकरे के कान में प्रियंका चहर चौधरी के बारे में ऐसी कौन सी बात कह डाली है कि शिव भी काफी ज्यादा हैरान हो गए हैं। जी हां, आपको बता दें कि बिग बॉस के घर से अब निमृत कौर आलूवालिया और शिव ठाकरे से जुड़ी एक लेटेस्ट और बड़ी अपडेट लेकर हम आपके सामने आ गए हैं, जिसमें अब निमृत ने अपने एलिमिनेशन के वक्त जैसे ही निमृत घर से बाहर जा रही थी, निमृत को यह पता चल चुका था कि वो एलिमिनेट हो चुकी हैं। उन्होंने सीधा सीधा शिव ठाकरे को पकड़ा और शिव को प्रियंका के बारे में सबसे बड़ी बात बता दी, सबसे बड़ी सलाह दे दी। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार क्या कहा है निमृत कौर आलूवालिया ने। चलिए आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दें। आपको बता दें कि बिग बॉस के घर के अंदर जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि जनता घर के अंदर आई हुई थी और लाइव वोटिंग करके उन्होंने निमृत कौर आलूवालिया को सबसे कम वोट दिए, जिसके चलते निमृत अब घर से बेघर हो गई हैं। इसी बीच आपको बता दें कि एलिमिनेशन के वक्त जैसे ही निमृत को बिग बॉस का ये फैसला मिला कि बिग बॉस ने कहा कि निमृत आपको सबसे कम वोट मिले हैं, बाकी जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनमें आप एक ऐसी कंटेस्टेंट हैं जिनको जनता कुछ खास पसंद नहीं कर रही, इसीलिए आपको घर से बेघर कर दिया जाता है। ऐसे में आपको बता दें कि निमृत ने सीधा सीधा शिव ठाकरे से बात करना शुरू कर दिया और शिव को कहा कि देखो शिव, अब तुम घर के अंदर कहीं ना कहीं अकेले पड़ जाओगे, क्योंकि प्रियंका चहर चौधरी अब तुम पर अटैक करने वाली है। निमृत ने सीधा सीधा कह डाला, मेरे एलिमिनेशन के बाद अब मंडली के सिर्फ दो ही सदस्य घर के अंदर बाकी रह गए हैं, जबकि प्रियंका के पास तो दो, जबकि मंडली के अलावा घर के अंदर तीन सदस्य हैं, यानी शालीन भानोट, अर्चना गौतम और प्रियंका चहर चौधरी। यानी अब तो ये पूरी तरह से पक्का हो चुका है कि मेरे घर के बाहर जाते ही प्रियंका अपना असली गेम दिखाना शुरू कर देगी और अर्चना गौतम और शालीन भानोट की मदद से तुम्हें पीछे करने की पूरी कोशिश करेगी। जी हाँ, ये बात निमृत कौर आलूवाले ने सीधा सीधा शिव को कह डाली और शिव को ये समझाती हुई नजर आई है कि तुम्हें अब घर के अंदर किस तरह से गेम खेलनी है, किस तरह से आगे बढ़ना है और प्रियंका चहर चौधरी से किस तरह से बचते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि प्रियंका अब अपने आप को तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस कर रही है, क्योंकि प्रियंका का कहीं ना कहीं मानना है कि तुम और अब एमसी स्टैन दो जने हो, जबकि प्रियंका, शालीन भानोट और अर्चना गौतम ये तीन सदस्य हैं, यानी हर एक टास्क में अब तुम दो होंगे और वो तीनों एक साथ होंगे और तुम्हें हराने की पूरी कोशिश कर डालेंगे। ऐसे में आप निमृत की इन बातों को लेकर क्या कहना चाहते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और बिग बॉस से जुड़ी हर एक लेटेस्ट न्यूज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।